अस्सलाम वालेकुम ऑफ डियर स्टूडेंट्स ऑफ क्लास मैट्रिक एंड वेलकम बैक माय मैथ क्लास। सो आज का जो लेक्चर होगा हमारा किसके ऊपर होगा, जो चैप्टर नंबर 2 की जो टॉपिक है वो है एक्सपोनेंट। जो एक्सपोनेंट जो आज हम पढ़ेंगे, एक्सपोनेंट का मतलब क्या होता है, सग कुवत ताकत किसी भी चीज़ के ऊपर कितनी ताकत लगाई जाती है उसका मतलब क्या होता है एक्सपोनेंट। एक्सपोनेंट का मतलब क्या होता है, किसी भी नंबर के ऊपर कितना पावर है। एक्सपोनेंट का मतलब क्या है कि पावर पावर कितना है। तो ये चीज़ आज हम पढ़ेंगे कि एक्सपोनेंट का मतलब क्या होगा। अगर मैं कह दूँ, अगर इसकी डेफिनेशन बनाएँ तो लेट ए पावर एन बी एनी नंबर एनी रियल नंबर, कोई भी रियल नंबर है, देन nth जो होगा nth इज द पावर पावर ऑफ बेस a, n जो होगा पावर होगा किसका, बेस a का, जो a हमारे पास बेस दे रहा है, एंड n इज एक्सपोनेंट, n को दूसरा नाम क्या देता हूँ, एक्सपोनेंट भी बोलता हूँ, r इंडेक्स, तो इसका दूसरा नेम भी क्या होता है, इंडेक्स होता है। मतलब कोई भी नंबर है उसके रिटर्न करते हैं किसमें, ए पावर एन, एन ए पावर एन का मतलब कोई भी पावर हो चाहे रियल नंबर हो, ठीक है। तो ए क्या होगा, बेस होगा उसका, और एन क्या होगा, पावर जो है उस पावर को मैं क्या नेम देता हूँ, एक्सपोनेंट भी बोलते हैं तो इंडेक्स भी बोलते हैं। अब यहाँ पर पावर के ऊपर हमारे पास कंडीशन आ जाती है, अगर मेरे पास रिटर्न में हो माइनस ए पावर एन तो ये किसके बराबर होगा, माइनस ए पावर एन। अब इस एन का मतलब क्या है, जस्ट ये जो पावर है जैसे ए के ऊपर है ना कि नेगेटिव के ऊपर है। अब इस टर्म के अंदर हमारे पॉजिटिव और नेगेटिव के हिसाब से कंडीशन आ जाती है, अगर ये जो बेस है, इफ बेस इज नेगेटिव, या इस यहाँ पे पहले पॉजिटिव के साथ बेस इज पॉजिटिव एंड पावर इज आल्सो पॉजिटिव, देन ट्रम जो होगा ट्रम विल बी पॉजिटिव, जो ट्रम होगा वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, पॉजिटिव में कन्वर्ट हो जाएगा। एक कंडीशन ये होती है हमारी, दूसरी कंडीशन क्या होती है, नेगेटिव के हिसाब से। अब पावर जो है पावर हो और नेगेटिव मतलब क्या, कि अगर मैं कहूँ यहाँ पे इफ द बेस इज नेगेटिव, अगर बेस जो है नेगेटिव है तो पावर के अंदर कंडीशन देखेंगे, पावर भी पॉजिटिव होगा लेकिन किस हिसाब से, इस बेस इज पॉजिटिव देन पावर इज इवन पॉजिटिव नंबर, देन टर्म विल बी पॉजिटिव, जो टर्म होगा वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, पॉजिटिव में कन्वर्ट हो जाएगा। तो उसके बाद थर्ड नंबर जो कंडीशन होती है हमारी, नेगेटिव के अंदर दो कंडीशन है, एक पावर जो है पॉजिटिव इवन होना चाहिए और दूसरा पावर क्या है, पॉजिटिव ऑड होना चाहिए। तो यहाँ पे वही कंडीशन लिखते हैं, इफ़ द बेस इज, जो बेस है हमारा वो क्या है, हमारा बेस इज नेगेटिव नंबर एंड ट्रम पावर इज, या एक्सपोनेंट पावर इज पॉजिटिव ऑड नंबर, देन ट्रम विल बी, जो ट्रम होगा वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, ट्रम विल बी नेगेटिव नंबर, जो ट्रम होगा वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, हमारा नेगेटिव नंबर के अंदर कंडीशन हो जाएगी। अब यहाँ पे एग्जांपल के हिसाब से लिख लूँ, यहाँ पे फॉर एग्जांपल फर्स्ट वाली को जो कंडीशन दे रहा था कि बेस जो है जो क्या पॉजिटिव होना चाहिए, पॉजिटिव का मतलब क्या, कोई भी 2 ले लो, 3 ले लो, 4 ले लो, 5 ले लो, मतलब मैंने ले लिया यहाँ पे 3 है पॉजिटिव, ठीक है। और पावर क्या है, पॉजिटिव कोई नंबर हो ले लो,
टू हो, थ्री हो, फोर हो, फाइव हो, मतलब पॉजिटिव नंबर्स, यहाँ पे फोर ले लेता हूँ। थ्री पावर फोर का मतलब क्या होगा, थ्री को फोर टाइम मल्टीप्लाई। इस पावर का मतलब क्या है, जो बेस है इस बेस को उतने टाइम आपस में मल्टीप्लाई, टाइम मल्टीप्लाई मतलब क्या, फोर टाइम है तो फोर टाइम मल्टीप्लाई द थ्री, थ्री को फोर टाइम आपस में मल्टीप्लाई करो। जो थ्री है थ्री को फोर टाइम मल्टीप्लाई किया, थ्री थ्री था नाइन, नाइन थ्री था 27, 27 को थ्री से मल्टीप्लाई तो ये क्या होगा 81। अब देखो जो रिजल्ट आया वो क्या आया, पॉजिटिव 81 में आया। कंडीशन कौन सी, फर्स्ट वाली, अगर बेस जो है पॉजिटिव में होना चाहिए, पावर क्या होना चाहिए पॉजिटिव में होना चाहिए, तो ये हो गया। फिर सेकंड कंडीशन क्या है, बेस क्या है नेगेटिव, अब मैंने ले लिया माइनस का थ्री। फिर कंडीशन क्या दे रहा है, पावर जो है इवन नंबर होना चाहिए। इवन का मतलब क्या है, कोई भी पॉजिटिव नंबर, फोर ले लो, सिक्स ले लो, एट ले लो, टेन ले लो, ठीक है, कोई भी पॉजिटिव नंबर। तो यहाँ पे मैं लेता हूँ वही सेम फोर पॉजिटिव है, तो इससे बेस का मतलब, इससे बेस का मतलब क्या, माइनस थ्री मल्टीप्लाई करो फोर टाइम, तो माइनस थ्री मल्टीप्लाई बाय माइनस थ्री मल्टीप्लाई बाय माइनस थ्री मल्टीप्लाई बाय माइनस थ्री। क्यों, ये जो पावर है स्ट्रम के ऊपर है ना, तो स्ट्रम का मतलब क्या, माइनस के ऊपर भी होगा तो थ्री के ऊपर, तो माइनस थ्री मल्टीप्लाई बाय माइनस थ्री मल्टीप्लाई बाय माइनस थ्री मल्टीप्लाई बाय माइनस थ्री, तो माइनस माइनस प्लस, प्लस माइनस, माइनस 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 प्लस, तो ट्रम हो गया हमारा पॉजिटिव। थ्री थ्री था नाइन, नाइन थ्री था 27, 27 को थ्री से तो 81। अब देखो बेस हमने नेगेटिव में लिया और पावर क्या लिया, इवन में लिया, तो ट्रम किस में आया, पॉजिटिव में, तो ट्रम पॉजिटिव में आया। फिर इसी कंडीशन के ऊपर हमारे पास दूसरी कंडीशन आ जाती है, कौन सी, अगर बेस क्या नेगेटिव और पावर क्या इवन नंबर, ओ आठ नंबर, तो पावर मैंने आठ ले लिया, आठ का मतलब क्या होगा, थ्री फाइव सेवन नाइन, इस हिसाब से मैंने थ्री ले लिया। इस माइनस थ्री और पावर का मतलब क्या, माइनस थ्री को थ्री टाइम मल्टीप्लाई, मतलब माइनस थ्री मल्टीप्लाई बाय माइनस थ्री मल्टीप्लाई बाय माइनस थ्री, सिंप्लीफाई करो, माइनस माइनस प्लस, प्लस माइनस माइनस, तो ये माइनस का थ्री थ्री था नाइन, नाइन थ्री था 27। अब यहाँ पे कंडीशन देखो, बेस क्या नेगेटिव नंबर ले लिया और पावर जो है वो क्या पॉजिटिव आठ नंबर्स ले लिया, तो ट्रम किस में आया, नेगेटिव में आया, ट्रम किस में आया, नेगेटिव। ये थी कंडीशन हमारी किसके हिसाब से, पावर के हिसाब से, अगर हमारे पास थी ये तीन कंडीशन हो तो हम किस हिसाब से सॉल्व करेंगे। उसके बाद पावर में हमारे एक्सपोनेंट में लॉ आते हैं, लॉ ऑफ पावर ऑफ पावर, ठीक है, तो उसके अंदर दो कंडीशन होती हैं, पावर ऑफ पावर, लॉ ऑफ पावर ऑफ पावर, लॉ ऑफ पावर ऑफ पावर का मतलब क्या होगा कि अगर हमारे पास प्रोडक्ट के अंदर नंबर वन एक्सपोनेंट में दो ला आते हैं, नंबर वन जो ला है कौन सा, ला ऑफ प्रोडक्ट ऑफ पावर, ला ऑफ प्रोडक्ट ऑफ पावर, तो प्रोडक्ट ऑफ पावर का मतलब क्या होगा कि अगर मैं कहूँ ए पावर एम एंड ए पावर एन बी एनी टू रियल नंबर्स, तो दो रियल नंबर्स हैं, तो ए पावर एम एंड ए पावर एन की प्रोडक्ट मालूम करो, तो ए पावर एम मल्टीप्लाई बाय ए पावर एन, इसका मतलब क्या होगा कि ला ऑफ पावर प्रोडक्ट ऑफ पावर, तो कंडीशन निकालो बेस सेम है तो बेस सेम होगा तो पावर क्या होंगे ऐड हो जाएंगे, तो पावर के लॉ प्रोडक्ट और लॉ के हिसाब से हमारे पास कंडीशन क्या होती है कि इफ़ इन द प्रोडक्ट इफ बेस आर सेम देन पावर विल बी ऐड, मतलब क्या, इफ बेस आर सेम देन पावर विल बी ऐड, ठीक है, जैसे कि यहाँ पे दे रहा है फाइव पावर फोर मल्टीप्लाई बाय फाइव पावर थ्री, अब ये जो फाइव है बेस सेम है ये सेम ही रखेंगे,
और ये पावर है वो क्या आपस में ऐड होंगे तो 4 + 3 वो चीज इक्वल टू 5 power 7। पोला ऑफ प्रोडक्ट ऑफ पावर का मतलब क्या होगा कि अगर हमारे पास कोई भी दो रियल नंबर्स दे और उनके जो बेस है वो सेम होगा और तो पावर क्या होंगी आपस में ऐड हो जाएंगे। उसके बाद पावर ऑफ प्रोडक्ट, पावर ऑफ प्रोडक्ट का मतलब क्या होगा कि यहाँ पे जो सेकंड लॉ दे रहा है वो कौन सा दे रहा है, लॉ ऑफ प्रोडक्ट, पावर ऑफ ऑफ प्रोडक्ट, पावर ऑफ प्रोडक्ट, पावर ऑफ प्रोडक्ट का मतलब क्या होगा कि पावर सेम और रियल नंबर्स में भी कोई भी हो सकते हैं, मतलब क्या ए पावर एन मल्टीप्लाई बाय ए पावर बी, ए पावर बी पावर एन। अब यहाँ पे देखो ये जो पावर है सेम है ये किस में कन्वर्ट हो जाएंगे, अब ये जो पावर है दोनों ये होल करके रखेंगे, ए और बी को आपस में मल्टीप्लाई और ये जो पावर है सिंगल करके होल के हिसाब से रखेंगे। तो इसका मतलब क्या होगा कि अगर हमारे पास पावर ऑफ प्रोडक्ट टू नंबर्स है तो पावर क्या होगा वो होल में हो जाएगा और जो बेस है वो आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे, मतलब क्या इफ़ पावर आर सेम, पावर क्या होंगे सेम होंगे देन बेस आर मल्टीप्लाई बाय ईच अदर एंड देन टेक द होल पावर अगर बेस सेम है तो उसका मतलब क्या होगा बेस को पावर सेम है तो बेस जो है आपस में मल्टीप्लाई होंगे और पावर जो होगा वो होल के हिसाब से कन्वर्ट हो जाएगा। यहाँ पे भी वही 5 power 3 into 5 power 4 into 4 power 4। अब देखो यहाँ पे जो पावर है वो देखो सेम है प्रोडक्ट के अंदर, पावर सेम है तो इसको कन्वर्ट करूँगा 5 multiply by 4 ये होल पावर 4। अगर इसको सिंप्लीफाई करूँगा तो 5 4 5 4 20 ये 20 power 4। इसमें क्या था बेस सेम था, उसमें अंदर क्या है बेस चेंज है और पावर सेम है, इसमें पावर चेंज है और बेस सेम है। तो ये दो लॉज हैं प्रोडक्ट के हिसाब से जो हमारी एक्सरसाइज है 2.2 मुश्तमिल करती है किसके अंदर इसके अंदर। अब कोई भी रियल नंबर है तो एक्सरसाइज 2 है वो मुश्तमिल करके उसका जो फर्स्ट पार्ट होगा वो बोलेगा कि फाइंड करो, क्या फाइंड करो कि एक्सपोनेंट हमारा जो है वो किसके अंदर कन्वर्ट हो, यानी कि एक्सपोनेंट कौन सा है, इंडेक्स कौन सा है, या पावर कौन सा है, या बेस कौन सा है। अगर हमारे पास कंडीशन दे कि फॉर एग्जांपल -18 जैसे कि -189 होल पावर 10 है तो इसके अंदर बोले पूछे तो इसके अंदर एक्सपोनेंट कौन सा है और बेस कौन सा है तो ये जो होगा वो क्या होगा हमारा बेस और ये जो होगा पावर जो होगा इसके अंदर वो पावर क्या होगा हमारा एक्सपोनेंट हो जाएगा, वो पावर क्या होगा हमारा एक्सपोनेंट हो जाएगा। उसके बाद हमारे पास जो सेकंड कंडीशन आ जाती है इसी पार्ट के अंदर वो कंडीशन कौन सी आती है के बताना है, क्या चीज़ बतानी है, इंडिकेट करने है कि इवन नंबर्स कौन से हैं, पॉजिटिव यानी कि ओ पॉजिटिव नंबर्स कौन से हैं और नेगेटिव नंबर्स कौन से। तो जैसे कि यहाँ पे दे रहा है एक्सरसाइज 2.2 सेकंड पार्ट, अब सेकंड पार्ट का कोई भी दो नंबर्स उठा रहा हूँ जैसे कि नंबर 1 के अंदर क्या दे रहा है 8 power 4 और नंबर 2 के अंदर क्या दे रहा है -113 होल पावर 107।
अब यहाँ पे क्या दे रहा है, 8 पावर बेस जो है पॉजिटिव में, वो पावर चाहे कोई भी हो, इवन हो या 8 नंबर हो, तो उसका रिजल्ट किस में आता है, पॉजिटिव नंबर्स में। तो ये देखो ये क्या होगा हमारा, पॉजिटिव में पॉजिटिव नंबर्स आ जाएगा, ये क्या होगा पॉजिटिव नंबर। अब यहाँ पे कंडीशन कौन सी है, बेस जो है वो नेगेटिव है और पावर जो है 8 नंबर है। अगर बेस नेगेटिव हो और पावर 8 नंबर हो तो वो टर्म हमारा किस में कन्वर्ट हो जाता है, नेगेटिव नंबर में। तो इसी हिसाब से माइनस 192 होल पावर 108। अब यहाँ पे कंडीशन देखो, जो बेस है वो नेगेटिव दे रहा है और पावर क्या दे रहा है, इवन नंबर दे रहा है। अगर बेस नेगेटिव है और पावर हमारा इवन नंबर है तो वो टर्म किसके अंदर कन्वर्ट हो जाता है, पॉजिटिव नंबर में। तो वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, पॉजिटिव नंबर के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा। तो इसके बाद थर्ड नंबर कंडीशन जो है क्या दे रहा है, विच इज़ द करेक्ट वे टू फाइंडिंग द वैल्यू ऑफ 3883 पावर 9। कौन सी कंडीशन करेक्ट है, या पहले इन दोनों को मल्टीप्लाई करें फिर पावर निकालें, या पहले पावर निकालें फिर इन दोनों को, ऑलवेज क्या कहते हैं, जस्ट फर्स्ट ऑफ ऑल पहले अगर किसी भी सिंगल नंबर के ऊपर पावर होता है तो फर्स्ट क्या कहते हैं, सिंप्लीफाई दी पावर। तो मतलब क्या, फर्स्ट फाइंड द पावर देन प्रोडक्ट, पहले क्या सिंप्लीफाई करना है किसको, पावर को, उसके बाद जो रिजल्ट आएगा उसको किससे, प्रोडक्ट को सिंप्लीफाई करना है। ये क्या होगा हमारा करेक्ट वे होगा इस टर्म को फाइंडिंग करने का। उसके बाद जो लास्ट पार्ट दे रहा है हमारा पार्ट नंबर 4, वो किसके ऊपर मुश्तमिल है, वो मुश्तमिल है सिंप्लीफाई ईच ऑफ द फॉलोइंग लेटर्स ए बी सी रिस्पेक्ट रियल नंबर, रियल नंबर के हिसाब से सिंप्लीफाई करके रखना है। जैसे कि यहाँ पर दे रहा है नंबर 1, सिंप्लीफाई करना है कि -91 पावर 4, नंबर 2 5 पावर 4 मल्टीप्लाई बाय 5 पावर 2, नंबर 3 6 ए पावर 4 मल्टीप्लाई ए पावर 3 मल्टीप्लाई बाय ए पावर 8, नंबर 7 ए इंटू ए बी स्क्वायर बी स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय सी क्यूब मल्टीप्लाई बाय बी जो है वो क्या रहा है, बी क्यूब मल्टीप्लाई बाय ए स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय सी स्क्वायर ओ ए पावर 5 मल्टीप्लाई बाय सी स्क्वायर। उसके बाद क्या दे रहा है, 3 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय एक्स मल्टीप्लाई बाय वाई, 3 × 5 इंटू एक्स वाई होल पावर जो दे रहा है वो क्या दे रहा है, 14 दे रहा है। अब फोर्थ जो पार्ट है, उस फोर्थ पार्ट के कुछ मैंने यहाँ पे प्रॉब्लम लिखे हुए हैं, वो कुछ सिंप्लीफाई कर रहे हैं, बकाया जो प्रॉब्लम होंगे वो आप घर पर ट्राई करो। अब फोर्थ पार्ट के अंदर क्या बोल रहा है, सिंप्लीफाई ईच ऑफ द फॉलोइंग लेटर्स के हिसाब से सिंप्लीफाई करना है। अब सॉल्यूशन नंबर 1 जो दे रहा है -91 होल पावर 4 सॉल्यूशन, सेम टर्म नीचे लेके आएंगे -1। अब ये नेगेटिव है, इसको कन्वर्ट करें कि नेगेटिव में टर्म आएगा या पॉजिटिव टर्म हमारा कन्वर्ट हो जाएगा, तो क्या करेंगे, -91 मल्टीप्लाई माइनस 91 मल्टीप्लाई माइनस 91 मल्टीप्लाई माइनस 91 माइनस माइनस प्लस प्लस माइनस माइनस प्लस। तो ये टर्म हो जाएगा पॉजिटिव का, 91 91 91 91, ये क्या होगा 91 पावर 4, 4 टाइम है तो 91 पावर 4। तो ये टर्म किस में हो गया हमारा, 91 पावर 4 में। उसके बाद सेकंड जो टर्म दे रहा है हमारा कौन सा,
फाइव पावर फोर मल्टीप्लाई फाइव इसका सॉल्यूशन। अब यहाँ पे पावर लॉ की कंडीशन के हिसाब से प्रोडक्ट ऑफ पावर, प्रोडक्ट ऑफ पावर का मतलब क्या कि बेस जो है वो से क्या सेम है, पावर जो है वो क्या ऐड होंगे, तो ये फाइव पावर सिक्स, ये क्या होगा फाइव पावर सिक्स, ये हमारा क्या हो जाएगा सिंप्लीफाई हो गया, ये हमारा आंसर। उसके बाद जो टर्म दे रहा है हमारे पास है ए पावर फोर मल्टीप्लाई ए क्यूब मल्टीप्लाई बाय ए पावर एट। तो अब इसका मतलब क्या, अब देखो यहाँ पे सॉल्यूशन, यहाँ पे कंडीशन कौन सी है, वही है सेम के बेस जो है वो क्या सेम है, तो बेस सेम कर लिया, पावर क्या होंगे आपस में एट, फोर प्लस थ्री प्लस एट, अगर इन दोनों तीनों को ऐड करेंगे तो आंसर क्या आएगा ए पावर फिफ्टी, ए पावर फिफ्टी। तो इसी हिसाब से यहाँ पे सिंगल ही बेस था, इसके अंदर तीन बेस दे रहा है, अब थ्री बेस कैसे के सेवन नंबर जो है वो कौन सा दे रहा है, ए इंटू बी स्क्वायर इंटू सी पावर थ्री मल्टीप्लाई बाय बी क्यूब ए पावर फाइव प्लस सी का। तो सॉल्यूशन लाइक टर्म्स साथ में करके रखो, लाइक टर्म्स का मतलब क्या होगा जो एक जैसे, अब एक जैसे कौन से, ये ए ए ए इंटू ए पावर फाइव इंटू बी स्क्वायर बी स्क्वायर बी स्क्वायर इंटू बी क्यूब इंटू सी क्यूब इंटू सी स्क्वायर, मतलब बेस जो सेम है वो एक साथ रखो, अब एक साथ रख लिए, अब ये बेस सेम है इन दोनों की पावर क्या होंगे एट होंगे, वन प्लस फाइव इंटू ये बेस सेम है तो इनके पावर क्या होंगे एट होंगे, ये बेस सेम है तो इनके पावर क्या होंगे एड होंगे। आज सिंप्लीफाई करो, वन प्लस फाइव तो ए पावर सिक्स ए बी पावर फाइव सी पावर फाइव, आगे कोई सिंप्लीफिकेशन नहीं हो रही तो ये हमारा क्या होगा आंसर हो जाएगा। उसके बाद लास्ट नंबर जो दे रहा था कौन सा, ट्वेल्व जो हमने उठाया कौन सा, थ्री मल्टीप्लाई बाय फाइव मल्टीप्लाई बाय एक्स मल्टीप्लाई बाय वाई होल पावर फोर्टी। अब यहाँ पे कंडीशन कौन सी है, यहाँ पे कंडीशन है लॉ ऑफ पावर ऑफ प्रोडक्ट, पावर ऑफ प्रोडक्ट का मतलब क्या होगा, होल पावर हो तो वो उस होल पावर का मतलब क्या होता है कि वो पावर हर एक टर्म के ऊपर आ जाए। तो सॉल्यूशन ये थ्री इंटू फाइव इंटू एक्स इंटू y होल पावर 14। अब ये जो होल पावर है, इस होल पावर का मतलब क्या होगा, ये पावर जो है a इंटू बी होल पावर n, इसका मतलब क्या होता है कि a के ऊपर भी पावर n लगाओ और b के ऊपर भी पावर n लगाओ, मतलब क्या टर्म यहाँ पे दो नंबर दे रहा है a और b, तो यहाँ पे कितने चार है, तो इसका मतलब क्या होगा कि थ्री के ऊपर भी पावर 14, फाइव के ऊपर भी पावर 14, x के ऊपर भी पावर 14 और y के ऊपर भी पावर 14, y के ऊपर भी पावर 14। ये थी आज हमारी एक्सरसाइज 2.2 जो हमने सिंप्लीफाई की थी कि एक्सपोनेंट के हिसाब से क्या चीज़ होगी क्या चीज़ नहीं होगी। इंशाल्लाह नेक्स्ट डे के अंदर हम इससे आगे चलेंगे।